बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम मुशाहिदीन अलकराम। के फिलहाल क्या हाल आप लोगों के? ठीक है, खैरियत से? राव फजल अजीम की तरफ से आप सबको बहुत बहुत सलाम पेश हो। वेलकम टू अजीम 27 राव चैनल। अगर आप लोग मेरे चैनल पे न्यू हो तो मेरे चैनल अजीम 27 राव को जरूर सब्सक्राइब कर दें ताकि आगे आने वाली हर अपडेट्स आप लोगों को वक्तन फवक्तन मिल सके। दोस्तों, जिस पर तक की फुल न्यू फ्रेश अपडेट्स हैं ओमान के हवाले से, वो मैं आप लोगों की खिदमत में लेके हाजिर हुआ हूँ। तो अपडेट शुरू करते हैं। अपडेट सबसे पहले शुरू करते हैं लॉकडाउन के हवाले से। आप लोग के कमेंट्स भी, सवालात भी बहुत ज़्यादा आ रहे हैं लॉकडाउन को लेके, तो भाई इस हवाले से आप लोग दे सकते हैं ओमान डिफरेंस और दीगर सोशल मीडियाज के ऊपर। अब ये यकीन दानी करवा दी गई है और रिमाइंडर दोबारा करवा दिया गया कि जो लॉकडाउन है सल्तनत ऑफ ओमान के अंदर, कल पहला रोज़ा होगा। कल रात 9 बजे से लेकर सुबह 4 बजे तक का जो नाइट मूवमेंट बैन है, जैसे पहले 8 बजे लगता था, उसी तरह का कल 9 बजे से लेकर सुबह 4 बजे तक का लगेगा। आप लोगों के कमेंट्स बहुत ज़्यादा आ रहे थे कि अजीम भाई क्या आज से शुरू हो जाएगा, आज पहली रात होगी रमज़ान की? नहीं भाई, आज से शुरू नहीं होगा, कल से, यानी कि यौम अल अरबा उन्होंने बताया बुध वाले दिन से कि सल्तनत ऑफ ओमान के अंदर नाइट मूवमेंट बैन 9 बजे से लेकर सुबह 4 बजे तक का शुरू हो जाएगा। ठीक हो गया। अब बात करते हैं कुछ ओमान की दीगर खबरों के हवाले से। आप लोग देख सकते हैं ओमान की पब्लिक प्रोसिक्यूशन की तरफ से ये एक स्टेटमेंट शाया की गई है और इस स्टेटमेंट के मुताबिक जितने भी जो ड्राइवर है जो सल्तनत ऑफ ओमान के अंदर गाड़ी चलाते हैं और वो गाड़ी चलाते हुए जो म्यूजिक है, बेशक वो FM का हो, बेशक वो ऑडियो कोई भी हो, और आप लोग तेज आवाज में म्यूजिक को, गानों को सुनते हैं, तो ये भी जो ओमान के ट्रैफिक कानून के मुताबिक वायलेशन समझी जाएगी। जी, आप लोग देख सकते हैं पब्लिक प्रोसिक्यूशन की तरफ से ये स्टेटमेंट शाया की गई और इसके अंदर ये यकीन दहानी तमाम ड्राइवर्स को की गई है जो कि सल्तनत ऑफ ओमान के अंदर, बेशक वो सिटीजन हो, रेजिडेंस हो, कि जो भी हजरात सल्तनत ऑफ ओमान के अंदर ड्राइविंग करते हैं वो अपनी गाड़ी के अंदर जो म्यूजिक है वो स्लो आवाज में सुने। अगर ज्यादा तेज आवाज में सुनते हैं तो ये एक वॉलेशन है और इस पे आप लोगों को जेल और जुर्माने हो सकते हैं। अब बात करते हैं कुछ वैक्सीन के हवाले से। आप लोग देख सकते हैं टाइम्स ऑफ ओमान के अंदर ये स्टेटमेंट शाया की गई है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की तरफ से, और मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की तरफ से बताया गया कि ये तमाम यूमर्स की खबरें कि वैक्सीन का कुछ रिएक्शन हो सकता है, वैक्सीन के कुछ साइड इफेक्ट हो सकते हैं, इसकी वजह से ही जो है सल्तनत ऑफ ओमान के अंदर जो वैक्सीन का अमल है वो इस वक्त रुका हुआ है। काफी सारे लोग वैक्सीन नहीं लगवाते हैं वो इस वजह से कि इसका कोई साइड इफेक्ट होगा। नहीं भाई, आप लोग देख सकते हैं आज जो है वजारत सेहत की तरफ से दोबारा से स्टेटमेंट शाया की गई है और बताया गया है कि इसका कोई साइड इफेक्ट वगैरह नहीं है। ये यूमर्स की खबरें, इनके ऊपर कान ना धरें। जो साइट्स वगैरह पे आप लोग देखते हैं, ये तमाम साइट जो आप लोग देख सकते हैं, उन्होंने बताया कि फेक है। तो ये तमाम इस वक्त की अपडेट्स थी ओमान के हवाले से। इंशाल्लाह जैसे और भी जो न्यू अपडेट्स आती है वैसे इंशाल्लाह अपने प्यारे मुशाहिदीन के साथ शेयर करेंगे। बस यही कहेंगे आप लोगों से कि अपनी हिफाजत करें और राव फजल अजीम को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफि